साल 2017 हर मायने में बेहद ही खास रहा। इस साल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतों की ओर से कई अहम और ऐतिहासिक फैसले सुनाए गए। इन फैसलों में किसी को जेल हुई तो कोई बाइज्जत बरी हो गया। वहीं कुछ ऐसे फैसले भी रहे जिनका आने वाले दिनों में आम आदमी पर बड़ा असर होने वाला है। तो आइए जानते हैं साल 2017 में कोर्ट के उन ऐतिहासिक फैसलों के बारे में। नंबर 1, 3 तलाक असंवैधानिक करार। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय की आदि आबादी यानी मुस्लिम महिलाओं को अपने एक फैसले से बड़ी राहत दी। कोर्ट ने इस साल 22 अगस्त को एक साथ 3 तलाक बोलकर 3 तलाक देने की व्यवस्था यानी तलाक के विद्दत को असंवैधानिक करार दिया। नंबर 2, मौलिक अधिकार होगा निजता का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल अहम फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार करार दिया। मौलिक अधिकार संविधान से हर नागरिक को मिले बुनियादी मानव अधिकार हैं, जैसे बराबरी का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार और सम्मान के साथ जीने का अधिकार वगैरह। नंबर 3, 2G मामले के सभी आरोपी बरी। दिल्ली की एक CBI कोर्ट ने पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और 2G मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया। करीब 10 सालों तक देश की सियासत को हिलाने वाले 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में कोर्ट ने एक भी आरोपी को दोषी नहीं पाया। कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार को सत्ता से हटाने में इस कथित 2G घोटाले की बड़ी भूमिका रही। नंबर 4, लालू यादव दोषी करार। चारों घोटाले से जुड़े एक मामले में RJD सुप्रीमो लालू यादव को CBI की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है, जबकि कोर्ट ने पूर्व CM जगन्नाथ मिश्र को इस मामले में बरी कर दिया। हालांकि इससे पहले भी इसी घोटाले से जुड़े अन्य मामलों में लालू को 5 साल की सजा हो चुकी है, वो फिलहाल जमानत पर बाहर चल रहे थे। और नंबर 5, बालिग माना जाएगा प्रद्युम्न हत्याकांड का आरोपी। इसी साल सितंबर महीने में दिल्ली से सटे गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल के छात्र प्रद्युम्न मर्डर केस में स्कूल के ही 11वीं में पढ़ने वाले एक छात्र को गिरफ्तार किया गया है। जुवेनाइल कोर्ट ने आरोपी 16 साल के छात्र के साथ बालिग की तरह बर्ताव करने का आदेश दिया। हालांकि इस मामले में पहले स्कूल के ही बस कंडक्टर को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन CBI जाँच में जो खुलासे हुए उसके बाद उसे जेल से रिहा कर दिया गया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।